मेरे बच्चे को बहुत सारा आशीर्वाद देना। मुझे शर्म आनी चाहिए कैमरा मैन का खाना खाते हुए। बोले अच्छा भेजा सुनील सर ने। यार ये रात को तो बहुत ज्यादा डरावना लगता है। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। बहुत ज्यादा नींद आ रही है आज मुझे, क्योंकि गोला आजकल बहुत लेट सोने लगा है। गोले अंदर चलो। बारह साढ़े बारह एक बजे, बट कोई बात नहीं, आज डांस दीवाने का शूट है, वो तो घर का शूट है, उसमें तो मजे ही मजे है, उसमें थकावट नहीं होती, बट हाँ पूरा दिन खड़े तो रहना ही है। देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। आज मुझे भूख भी लग गई, इसका मतलब रात का खाना डाइजेस्ट हो गया। मेरा ये कहना होता कि अगर आपको मॉर्निंग में जल्दी भूख लगती है तो इसका मतलब आपका खाना डाइजेस्ट है रात का, वरना जिनका रात का खाना डाइजेस्ट नहीं होता फिर सुबह उठ के मैं नहीं खाऊंगी अभी ये वो, मुझे तो भूख लगी है। मेरा फेवरेट है पराठा, आलू की सब्जी और ब्लैक टी। हो सके तो मेरी जुबान का भी इन पकवानों से संगम करवाना। घर का खाना घर का ही है, पूरा दिन खड़ा रखेगा, मतलब ये नहीं और भी खाऊंगी सेट पे जाके, बट घर का खाना मुझे पूरा दिन खड़ा रखता है। अगर इसी जगह में मतलब पराठे की जगह अगर चाय बिस्किट खा लेती तो मेरा मौत। भाई मैं पंजाबी हूँ, मुझे पराठों के बिना नहीं जमता। उन्ना पकड़ इसको, ये देख लो फिर। तो चलिए जी, मेकअप हो गया है, अभी आधे अधूरे कपड़े जैकेट पहनना है और बस जा रहे हैं अंदर शूट पे। कोई बात ही नहीं है कहने लायक। ये पता नहीं आजकल क्यों इतना क्यों दादा हीरो वीरो क्यों आजकल, अब जब देखो अब शूटिंग पे यही वाला ड्रेस पहना होता है। अरे स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल, मतलब शूटिंग का ड्रेस है ये। पर ये जो भी है ना दादा मस्त टी शर्ट है, ये कहाँ से लिया? एक गिफ्ट में मिला था। क्या लड़की है कि लड़का? लड़का तो लड़के पे क्यों इतना हंस रहे हो दादा? किस खुशी में दिया उसने आपको? आपने उसका ऐसा क्या किया? वो साथ में काम कर रहे थे तो बोला ये रख लो, क्योंकि मैं कभी ऐसा कपड़ा नहीं पहना था। पर कितने अच्छे लगते था, पहना करो ऐसा और भी खरीदो। खरीदूंगा नहीं, गिफ्ट मिलेगा तो लूंगा। तो गाइज मैं जा रही हूँ शूटिंग के लिए और ये सुनील सर की वैन है। मेरे को इतना मज़ा आता जब मैं इधर इस पास से निकलती हूँ, सुनील सर का स्टाफ बैठा होता है तो मैं उनको बोलती हूँ माँ शक्ति, माँ शक्ति किधर है, तो बोलते अंदर। माँ शक्ति बाहर आई है, वहाँ अंजनी अंजनी माँ शक्ति। मैं इधर आती हूँ तो सुनील सर ढक 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 मुझे तंग करते हैं, तो अब मैं कहूँगी माँ शक्ति कहीं आ ही ना जाए, इससे पहले निकलो। ओह लल्ला, राखी, ये है राखी और मैं हूँ दिवाली और ये है अपना भाईया दूज। सो गाइस राखी की शादी होने वाली है, कनाडा में सेटल होने वाली, बहुत सारी इसके लिए दुआएं करना, बहुत सारा प्यार। कनाडा खुद के पैसों से जाऊंगी, खुद जीऊंगी, ये शादी करके किसी की जरूरत नहीं है लाइफ में। मैं अपनी फेवरेट हूँ। थैंक यू अनिल जी, वैसे तो मुझे शर्म आनी चाहिए कैमरा मैन का खाना खाते हुए, बट वी आर गुजराती, मैं अब गुजराती की बीवी हूँ, तो उसने बोला अपने पैसे कमाने हैं लेकिन खाना अपने पैसे का नहीं है। वाह, अरे तारक मेहता। तो ये हमारे अनिल जी, अनिल जी हाय करो, ये सबसे अमीर कैमरा मैन है। देखिए भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है। हमेशा अनिल जी हमारा हमारा शो आप ही करोगे। मैं सुखी सर को हटा के आपको रख रही हूँ। नहीं अच्छा मुझे लगा कहते ओके। मुझे हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना। आइए सर आइए। लंच ब्रेक हो गया है और अब मेरा फोटो सेशन है, मैं फोटो भी करवाती हूँ, आप इंस्टा पे देखते होंगे ना अलग अलग हिचकी लगी हुई फोटो ऐसा हो गया, तो फोटो भी करवाती हूँ मैं, अब मैं जा रही हूँ फोटो करवाने। सो गाइस चलिए लंच ब्रेक खत्म हो गया है, अब जा रहे हैं हम अब क्या हुआ चले, 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 सब मेरे लिए खड़े थे,
सिर्फ आपका इंतजार। क्या बात है भाई, गोरा चश्मे वाला, गंजा, मोटा पतला सब। ये भारती सिंह ऐसी के हर तरह के लोग लेने आए उसे। जय श्री राम। क्या बात है यार, आज तो मजा ही आ गया। ऐसे लग रहा साक्षात भगवान ने दर्शन दे दिए। हनुमान जी मेरे बच्चे को बहुत सारा आशीर्वाद देना। गोला और हर्ष भी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो गाइस मेरे गोले का बर्थडे था, माधुरी मैम ने इतना अच्छा, वैसे खुद डाइट पे रहती है और हमें इतना वाला। माधुरी मैम ने भेजा है गोले के लिए। थैंक यू माधुरी मैम एंड सुनील सर, बच्चे को गिफ्ट देने के लिए। माँ का बर्थडे भी 3 जुलाई को है। कौन सा? शो खत्म हो जाएगा। अरे मैं सर गिफ्ट के लिए एक्सटेंड करवाऊंगी शो। 3 जुलाई को दोस्तों मेरा बर्थडे है। गिफ्ट जितने भी भेज रहे हो अब भेज देना, कलेक्ट करवा लेंगे जहाँ मर्जी, बस स्टैंड कर। अभी ब्रीफिंग कर दो क्योंकि चलूंगा ब्रीफिंग अब बाद में। पाए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोरियोग्राफर थी ना, और आप तो मंथरा भाई, अपना अपना एक्ट करके दूसरों का बनने को तैयार हो जाते। और ये देखो शशि जी क्या बनी हो, कैकई। और आप भाई गोल्डन बच्चा दिखाओ अपना। अरे वाह, बिना प्यारा नकली बच्चा है। वो बच्चा रो रहा है, आपकी दाढ़ी उसको चुभ रही है। अपना पप्पी का कोई रीजन ही नहीं होता, आते जाते ले लो। और ये है अपनी आंटी। आंटी कैसी हो? और ये अंकल, मैंने तभी बोला एक आदमी एक औरत को देख के हंस रहा है, वो पति ही होगा। बहुत बहुत बधाई आपको शादी की। रोज देखती हूँ रोज। बहुत आपका गोला पसंद है। बस आप मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत सारा प्यार। बस थैंक यू। बस मम्माएं यही बोल दे तो मेरे लिए यही ब्लेसिंग है कि कोई ब्लॉग के लिए बोल दे कि आपका ब्लॉग देखते हैं। रोज देखती हूँ। थैंक यू। आपकी बेटी भी बहुत हंसती बैठ के। अलग कैमरा मैन। और ये भी बहुत अच्छे हैं, चाहे सर नहीं नहाते बट फ्रेश रहते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये मैं घर आ गई, अपने बच्चे से मिलूंगी, अपने पोती से, अपने पोती मतलब पति से मिलूंगी। और बस यार, पहले होता था घर से निकलो, बाहर काम करो, बाहर काम करो। अब जब से बच्चा हुआ ऐसे लगता है कि सारे काम घर में मिले। मुझे कोई घर बैठ के काम करने वाला मिले ना तो मैं वो भी कर दूं। बच्चे को छोड़ने का मन नहीं करता। जल्दी 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 चल। वाह मां शक्ति। मुझे लगता है ये रख देना चाहिए, ये अभी आंखों से ओझल कर दो। कोई रूपा दीदी मैं वही कह रही हूँ ना, वो उस पे लगा वाइट, लाल वाला हटा दो दीदी, कल खोलेंगे। गोले गोले अच्छा भेजा सुनील सर ने। गाड़ी पता ये बात होती बड़े लोगों की। क्यों? गिफ्ट तो दिया ही दिया, सेल भी दिए। आपको सेल लेने जाना पड़ेगा। दे बेटा पापा को खींची दो। पापा खींची दे दो, पहले खींची दे दो पापा को। भाई वो ऐसा बोलता बाबू। ये देखो ये क्या है बाबू, ये देखो ये क्या है बाबू, ये देखो मम्मा के हाथ में क्या है मम्मा। अरे देखता ही नहीं यार, देखता ही नहीं मैं तो, मतलब अभी इसमें ना सेल पड़ेंगे बाबू, ऐसे नहीं होता है भाई। रुक तो जा थोड़ा, टाइम तो दे। अरे रुको जरा, सबर करो। सो गाइस डांस दीवाने के शूट से मैं आ गई और इसने मुझे आते ही जो बम फोड़ा है। हम रात को शूट करने जा रहे हैं पॉडकास्ट का और छूट से आया मैं खुद, लेकिन जिसके साथ कर रहे हैं वो बहुत बड़े आदमी हैं। हम मिस नहीं करना चाहते थे उनके साथ ये पॉडकास्ट, है ना हर्ष? 100% बहुत ज्यादा सीखने मिलता है और शायद इसीलिए हमने पॉडकास्ट शुरू किया था ताकि हम अच्छे अच्छे लोगों से जान सके, समझ सके। तो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, टी सीरीज, टाइम, टिप्स, इनमें से म्यूजिक भी होता था यार, टाइम, इनमें से किसके मालिक आ रहे हैं, ठीक है उनके साथ पॉडकास्ट है। हमारी बिल्डिंग का ये फायदा है, जहाँ जहाँ जाओ लाइटें जल जाती है, इसीलिए तू कहीं भी चोरी नहीं कर सकता। मैं चोरी करूंगा यार, ये रात को तो बहुत ज्यादा डरावना लगता है हर्ष। बिल्कुल। A
few moments later. So guys, मैं बता दूं कि मैं डांस दीवाने का शूट करके आई हूँ हर्ष सिंगिंग सुपरस्टार का, और हमको पता चला जब सर के साथ पॉडकास्ट करना, हम लोग भाई सोए नहीं ना, रेस्ट की, फटाफट दोबारा मेकअप किया और आ गए, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट हैं रमेश टिप्स के मालिक, आज हमारे आए हैं, हम इनसे टिप्स जरूर लेंगे कि धंधा कैसे करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, शांत कैसे रहते हैं, लोगों से पंगे नहीं लेने, अपना काम करो। तो रमेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। मैं डेली व्लॉग भी करती हूँ और बस बहुत देखते रहते हैं आपको, आपकी फिल्में आपने इतनी सारी प्रोड्यूस की, आज भी आपके गाने डांस दीवाने में बजते हैं, राजा हिंदुस्तान या कोली नंबर वन हो या सोल्जर हो। तो थैंक यू सर। थैंक यू। आप दोपहर को क्या खाकर आए थे? कड़ी चावल। थैंक यू। आज राती साढ़े घर भी कड़ी चावल बनेंगे। भाई वाट ही लग गई आज तो, डांस दीवाने फिर अपना रमेश तुरानी जी पॉडकास्ट। सो लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा रहा और काम करते हुए ही अच्छा लगता है दिन। आज थकावट इसलिए नहीं ज़्यादा हुई क्योंकि डांस दीवाने में मुझे ज़्यादा थकावट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे सब अपने हैं, सब अपने हैं, तो वो फुल ध्यान रखते हैं मेरा और फुल मस्ती चलती रहती है, तो इतनी थकावट नहीं होती। लेकिन जो आके हर्ष ने बम फोड़ा ना, चल 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 पॉडकास्ट है, अगर मुझे पता होता ना तो मैं मेकअप उतारती नहीं डांस दीवाने से। चलो जी व्लॉग को एंड करते हैं, जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। बाय बाय जी, बाय बाय, थक गई बाय। सुबह सुबह फोन पे ठेकाई छे ठेकाई छे ठुकाई छे। मुझे आप दे देंगी मैम एक?